अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर टीशन इस्वा अहमद एंड टुडे इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट कॉन्स्टिपेशन कि कॉन्स्टिपेशन को हम लोग नेचुरली तौर पे डाइट के थ्रू कैसे ट्रीट कर सकते हैं। जब हम कॉन्स्टिपेशन की डेफिनेशन की बात करते हैं तो इट्स मीन लेस देन 3 बाउल मूवमेंट्स अ वीक। ये आपकी डेफिनेशन है कि जिसे हफ्ते में सिर्फ 2 से 3 दफ़ा जो है बाउल मूवमेंट आया हो उसको आप कॉन्स्टिपेशन में कंसिडर करते हैं। अब कॉन्स्टिपेशन होने की रीजन्स क्या है आजकल के? एक तो जंक फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, कैलोरीज के अकॉर्डिंगली तो हमें तो बहुत ज़्यादा लगता है कि हमने बहुत एक्सेसिव अमाउंट में खा लिए, लेकिन कॉन्स्टिपेशन जो है वो आपको फाइबर कम लेने की वजह से होता है। यानी कि अगर आपकी डाइट में फाइबर का इंटेक बहुत ज़्यादा कम है, पानी का इस्तेमाल अच्छा नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तब जाके आपको कॉन्स्टिपेशन के मसले मसाइल आते हैं। इसी तरीके से अगर जूसेस का इंटेक अगर आप करते हैं तो उसमें भी आप देखें फाइबर रिमूव हो जाता है और सारा का सारा आपको फ्रुक्टोज मिल जाता है। फिर पानी का इस्तेमाल जैसे मैंने पहले बता दिया, तो इस तरह के अगर मसले मसाइल होते हैं तब आपको जाके कॉन्स्टिपेशन होती है। अब कॉन्स्टिपेशन को अगर किसी को इसका मसला है या मसला रहता है तो आप क्या कर सकते हो कि आप इसके लिए सबसे पहले अपनी डाइट के अंदर जो है वो फाइबर ऐड करें, हाई फाइबर फूड। 3F डाइट इसके लिए यूज़ की जाती है जिसमें हम हाई फाइबर, ठीक है, फ्लूइड इंटेक अच्छा रखते हैं, सेकंड फैट्स का हम इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हाई फाइबर फूड्स हमारे पास आते हैं होल ग्रेन। आपने अपनी डाइट में हर चीज़, चाहे रोटी है आपके पास, ब्रेड है, सीरियल्स आप इस्तेमाल करने लगे, कोई भी चीज़ आपने इस्तेमाल करनी है आपने उसमें होल ग्रेन की ऑप्शन ही यूज़ करनी है, या मल्टी ग्रेन की आप ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। आपने रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल जो है नहीं करना, जैसे वाइट ब्रेड, वाइट पास्ता, आपने ये वाली ऑप्शंस यूज़ नहीं करनी। देन हमारे पास आ जाता है इसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी बहुत अच्छे हाई फाइबर सोर्सेज होते हैं, आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप इसमें क्या करना है कि कुछ फ्रूट्स जैसे एप्पल है, पियर है, वो आप छिलके के साथ ही इस्तेमाल करें, उसको आपको पील ऑफ करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। वेजिटेबल्स हैं, वेजिटेबल्स भी आप दिन में 5 से 7 कप जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मूली, गाजर, खीरा, जो भी आपके पास कच्ची सब्जियां हैं आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। मूली जो है वो बहुत अच्छा एक सोर्स है फाइबर का और कॉन्स्टिपेशन को रिलीव भी करता है। देन हमारे पास ऑप्शंस में आ जाते हैं नट्स। अब नट्स में आप एलमंड्स हैं, आपके पास पीनट है, या आप मिक्स नट्स ऐड कर लें अपनी डाइट में। 1/5 यानी कि 1 मुट्ठी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसका, वो भी फाइबर का अच्छा सोर्स है। दूसरा कॉन्स्टिपेशन ख़त्म करेंगे, या फिर अंजीर। अब अंजीर आप किस तरह कर सकते हैं इस्तेमाल के 2 अंजीर रात को सोने से पहले आप भिगो के रख लें, नेक्स्ट डे आपने उठ के सबसे पहले जो है वो अंजीर का इस्तेमाल करना है। अगर तो वो पानी उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ ये कि आप सिर्फ जस्ट वो अंजीर का इस्तेमाल करें, उससे भी आपकी कॉन्स्टिपेशन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। ये तो थे आपकी नेचुरल फ्रूट्स है जिसमें मैंने आपको फैट से रिलेटेड भी बता दिया कि जो आपके पास बेस्ट ऑप्शन है नट्स की। सेकंड आपके पास इसमें आ जाता है, हमने फाइबर्स को भी डिस्कस कर लिया। अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आती है फ्लूइड, यानी कि पानी का इंटेक जो है आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। जो लोग बहुत कम पानी का इस्तेमाल करते हैं आप कभी नोट करें कि अगर पानी का इस्तेमाल आपका अच्छा नहीं है तो आपको लाजमी कॉन्स्टिपेशन का इशू होगा। 8 से 10 ग्लास आपने पानी का इस्तेमाल लाजमी करना है, जूसेस की फॉर्म में आपने नहीं जाना। जब आप जूसेस की फॉर्म में जाएंगे तो आप याद रखें ये बात कि उसमें फाइबर ख़त्म हो जाएगा, जस्ट फ्रुक्टोज आपको मिलेगा। पानी का इस्तेमाल अच्छा करें, एक्सरसाइज ऐड करें, अगर तो आप प्रॉपर वर्कआउट वगैरह जिम जा सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ ये कि 15 मिनट, 20 मिनट या 30 मिनट्स की वॉक जो है वो लाजमी ऐड करें। इसके अलावा हमारे पास इसमें आ जाती हैं कुछ सीड्स, जैसे कि चिया सीड्स हैं, बेजल सीड जिसे आप तखमलंगा कहते हैं, या इस्पागोल छिलका, ये भी बहुत अच्छा है कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करने में। आप इनको आपने क्या कैसे इस्तेमाल करना है, तीनों में से कोई सी भी एक चीज़ का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 ग्लास पानी के अंदर 1 चाय का चम्मच आपने इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप चिया सीड्स इस्तेमाल कर रहे हैं कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करने के लिए तो आपने 1 ग्लास पानी के अंदर 1 चाय का चम्मच चिया सीड शामिल करना है। जब वो फूल जाएगा तब आपने 20-25 मिनट के बाद वो पानी पीना है और उसके बाद 1 ग्लास पानी का इस्तेमाल फिर से करना। उसके बाद सेम इसी यही प्रोसीजर है बेजिल सीड तुकमलंगा के लिए और यही प्रोसीजर है छिलका इस्तेमाल करने के लिए। तो ये तो है कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन कभी ना कभी बीच में होती रहती है, इसके साथ ये कि इसका मेडिकल चेकअप भी करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इसके लिए आप उनसे करें विजिट करें, अगर क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है या बहुत बार बार आपको ये इशू आ रहा है फेस कर रहे हैं तो आप उनसे करें, ताकि इसका जो प्रॉपर एक मेडिकल कोर्स है जो वो आपको करवाएंगे आप वो भी लाजमी करें, और इसके साथ अपनी डाइट में जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं आप ये साथ भी शामिल करें। थैंक यू।